हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जादव एंड द ट्री प्लेस क्वेश्चंस एंड आंसर क्लास थर्ड इंग्लिश. ओके, आज हम जादव एंड द ट्री प्लेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे और इसके बारे में सीखेंगे. ओके, फर्स्ट गिवन इन योर लेसन्स, सबसे पहले आपके लेसन में दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स प्रॉब्लम को आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है. ओके, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट, जादव पेइंग लिव इन असम, जो जादव था वो असम में रहता था. यस, द फर्स्ट इज ट्रू. सेकंड, व्हेन जादव वाज यंग, जब जादव क्या था, यंग था, ही फाउंड ए लॉट ऑफ डेड स्नेक ऑन द रिवर. ओके, जब जादव यंग था तो उसको क्या, वो ढेर सारे सांप के जो थे, मतलब मरे हुए सांप देखा नदी के किनारे. यस, दिस इज द ट्रू. द सेकेंड इज आल्सो ट्रू. ओके, जादव बिगेन बाय प्लांटिंग बम्बू शूट्स इन द सैंड्स. यस, जो जादव था वो डायरेक्टली क्या किया, जो बम्बू के शूट्स यानी पौधे थे उनको वो बालू में ही लगाना डायरेक्टली शुरू किया, प्लांटिंग करना वहाँ पर सैंड में लगाना ही शुरू किया. दिस इज द ट्रू. ओके, फोर्थ, जिराफ स्टार्टेड कमिंग टू द बम्बू फॉरेस्ट. नो, दिस इज फॉल्स. ओके, वहाँ पे जिराफ नहीं आ रहे थे, बेसिकली वहाँ पे चिड़िया, ठीक है, स्नैक्स, ठीक है, एंड लार्ज एनिमल लाइक एलिफेंट, बुफेलोस, इस तरह के जानवर जो है उस जंगल में आ रहे थे, ना कि जिराफ. ओके, दिस इज द फॉल्स. फोर्थ नंबर फॉल्स. फिफ्थ नंबर, द इंसेक्ट ब्यूरेड इन द सॉइल एंड दे ड्राई एंड वाइट सॉइल बिकम रिच ब्राउन सॉइल. यस, दिस इज द ट्रू. ओके, जो कीड़े या मकोड़े होते थे वो सबसे पहले क्या हुआ, जब पौधा लगाया जादव तो उस मिट्टी में आना शुरू हुए इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े थे, और उस मिट्टी में घुस कर जो कीड़े मकोड़े क्या किए, उसको जो उपजाऊ जमीन नहीं था उसको क्या बताएं, बना दिए सब रिच ब्राउन सॉइल, मतलब उपजाऊ जमीन बना दिए सब. ठीक है, जो कीड़े मकोड़े थे उसको उपजाऊ जमीन बना दिए हैं. दिस इज द ट्रू. फिफ्थ नंबर इज ट्रू. ओके, ना सिक्स, आफ्टर प्लांटिंग अ फॉरेस्ट, यानी जंगल लगाने के बाद या जंगल में पौधे लगाने के बाद जादव पेंग स्टॉप एट प्लांटेड ट्रीज, क्या इसके बाद जादव ने पौधे लगाने बंद कर दिए? नहीं, दिस इज द फॉल्स. वो क्या करता रहा, पौधे लगाता रहा, वो कभी हार नहीं माना. ठीक है, दिस इज द फॉल्स. सिक्स नंबर इज फॉल्स. ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट वी विल सॉल्व द आंसर एंड क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस इज द सैंड वाज पाउडरी एंड स्ट्राइप्ड, जो रेत थी क्या थी, वो काफी पाउडरी था और रेती धार था, मतलब स्ट्राइप्ड था. व्हाई वाज द सैंड स्ट्राइप्ड, मतलब इस तरह सैंड क्यों था, वो काफी धारीदार बालू जो था वो क्यों था. द आंसर इज देयर वर एम्प्टी प्लेस विथ नो ट्रीज, जहाँ पे वो बालू पाउडरी इसलिए हो गए थे क्योंकि देयर वर एम्प्टी प्लेस विथ नो ट्रीज, वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, एंड इट वाज हॉट एंड ड्राई, और वहाँ पे क्या थे, काफ़ी धूप थी और काफ़ी सूखे स्थान से वो सब. ठीक है, सो इसलिए द सैंड वाज पाउडरी एंड स्ट्राइप, इसलिए जो वहाँ के सैंड थे, बालू थी या रेत थी, वो क्या थी, काफ़ी पाउडरी थी और सूख गए थे और धारीदार हो गए थे. ठीक है, वहाँ पे उपजाऊ जमीन नहीं थी, सिर्फ बालू ही क्या थे, रेत ही रेत थे. ओके, सेकेंड क्वेश्चंस, व्हाट डिड जादव डू व्हेन ही सॉ द डेड स्नेक बिसाइड द रिवर्स. ओके, यानी जादव क्या करता है जब वो मरे हुए सांपों को नदी के किनारे देखता है. आइए आंसर में जानते हैं. व्हेन द जादव सॉ द डेड स्नेक बिसाइड द रिवर, जब जादव ने मरे हुए सांपों को नदी के किनारे देखा तो ही वॉन्टेड टू डू समथिंग सो दैट नो मोर एनिमल वुड डाई लाइक दिस, और वह कुछ करना चाहता था ताकि इसी तरह कुछ और भी जानवर कभी ना मरे. ओके, इसलिए वो चाहता था, उन सांपों के लिए कुछ करना चाहता था कि दोबारा इस तरह से घटना ना हो, दोबारा इस तरह से जानवर ना मरे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, एज इट ग्रू, मतलब जिस तरह ये बढ़ता है, इट ब्रॉड साइड, जिस तरह ये बड़ा हुआ क्या लाया, इट ब्रॉड साइड, मतलब ये छांव लाया,
एंड ब्रॉट इंसेक्ट, छांव लाया। तो इसके बाद क्या आए, इसके बाद कीड़े मकोड़े आए यानी इंसेक्ट आए। देन पूछ रहा है कि व्हाट इज इट, यानी मतलब ये क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड बी है व्हाट डिड द इंसेक्ट डू, और जो कीड़े मकोड़े थे वो क्या करते थे। द इंसेक्ट चेंज द ड्राई एंड व्हाइट सॉइल इनटू ब्राउन सॉइल, यू हैव टू फिल वन सी, ओके, दिस इज द ब्राउन सॉइल इज द आंसर। एंड द आंसर ऑफ ए व्हाट इज इट, इट इज द ट्री एंड प्लांट, क्या है, ये पेड़ और पौधे हैं जिसके बारे में बता रहा है कि एज इट ग्रो, ये जैसे बड़ा होता है, इट ब्रॉट साइड मतलब ये छांव लाता है, और एंड ब्रॉट इंसेक्ट, जब छांव आता है तो क्या आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, ओके। नाउ वी विल सी द आंसर बी, द इंसेक्ट ब्यूरेड इन द ग्राउंड, ओके, मीन्स द व्हाट डिड द इंसेक्ट डू, मतलब कीड़े मकोड़े क्या करते हैं। द इंसेक्ट ब्यूरेड इन द ग्राउंड, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड या जमीन को क्या करते हैं, वो उपजाऊ बनाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एज द ट्री ग्रू, जैसे ही पेड़ बढ़ते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स स्टार्टेड कमिंग टू जादो फॉरेस्ट, उसके बाद क्या होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं और जानवर होते हैं, उनके जादो के जंगल में आना शुरू हो जाते हैं, ओके। नंबर देम इन द ऑर्डर दैट दे अराइव, आपको उसमें नंबरिंग करना है कि कौन से नंबर पर कौन से पहले जानवर या बर्ड आए, ओके। देन फर्स्ट दिया है लार्ज बर्ड, लार्ज बर्ड किस नंबर पे आए उस जंगल में, थर्ड नंबर पे, ओके। फर्स्ट पे कौन आया, फर्स्ट पे सबसे इंसेक्ट आया, ठीक है, कीड़े मकोड़े आए, क्योंकि जब भी बड़ा पेड़ पौधा हुआ तो उसको क्या हुआ, पहले छांव आया, उसके बाद क्या हुआ, इंसेक्ट आया, पहला इंसेक्ट, सेकेंड, उसके बाद जब कीड़े मकोड़े आए तो उन कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए छोटी छोटी चिड़िया आनी शुरू हो गई, दैट्स कॉल स्मॉल बर्ड, देन दिस इज द सेकेंड, ओके। एंड थर्ड, जब स्मॉल बर्ड आए तो उसके बाद क्या हुआ, लार्ज बर्ड, यानी छोटे चिड़ियों के बाद आने के बाद जो बड़ी बड़ी चिड़ियाँ थी वो भी क्या खाने चली आई, इंसेक्ट को यानी कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए वहाँ पे आती थी, ओके। फोर्थ नंबर इज स्मॉल एनिमल लाइक रैबिट्स एंड मंकीज, जो अब इसके बाद क्या करते हैं, एक छोटे छोटे जानवर भी आना वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, लाइक रैबिट्स मंकीज, ठीक है, क्योंकि फल या फ्रूट्स को खाने के लिए वो क्या करने के लिए आते हैं, ओके। नाउ फिफ्थ, लार्ज एनिमल लाइक एलिफेंट एंड टाइगर्स, अब इसके बाद क्या होता है, अब बड़े बड़े जानवर आना शुरू हो जाते हैं उस जंगल में, लाइक एलिफेंट, लाइक टाइगर्स, ओके, दिस इज द नंबर फिफ्थ। एंड सिक्स, सबसे लास्ट में क्या आते हैं, सांप आते हैं, स्नैक्स, सिक्स नंबर, यानी सांप आते हैं सबसे लास्ट में, और उन सांपों को जादू देखकर उनको काफ़ी खुशी होती थी और वो सोचता था कि मेरा सपना मतलब सच हो गया, जो मैं चाहता था वो सांप आकर यहाँ पर आराम कर रहे हैं और आराम से अपनी जिंदगी जो जीवन है व्यतीत कर रहे हैं, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, हियर गिवन सी थिंक एंड आंसर, आपको क्या करना, सोचना और इसके बारे में आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज जादो पेंग कीप प्लांटिंग ट्री इवन दो इट इज हार्ड वर्क, यानी जादो पेंग जो था वह पेड़ को क्यों लगाता रहा, क्योंकि वह जानता है कि इसके बावजूद कि यह काफ़ी कठिन काम है, वो प्लांटिंग क्यों करता रहा। देन आंसर इज जादो पेंग के प्लांटिंग द ट्रीज, जादो पेंग जो था वो पेड़ को लगाते रहा, क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू होल वर्ल्ड टू बी हैप्पी, वो चाहता था कि सारी जो दुनिया है, सारी वर्ल्ड है, वह क्या रहे, हैप्पी रहे, खुश रहे, लवली लॉट्स ऑफ ट्रीज प्लेस, यानी ढेर सारे ट्री प्लेस रहे जहाँ पर लोग जाकर आराम कर सके और उसका आनंद उठा सके, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज गिवेन, टेक द सेंटेंसेस दैट शो द पासिंग ऑफ टाइम, यानी आपको इस तरह से चार सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, बुक्स में, आप बुक्स में देख सकते हैं, ठीक है, चार सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें से आपको दिखाना है कि वो सेंटेंस आपको सही करना है, टिक करना है, जो कि आपको वो टाइम दिखाए, यानी पासिंग ऑफ अ टाइम दिखाए कि जिसमें टाइम दिख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, पहला, ओवर द ईयर्स, यानी काफ़ी सालों बाद द ड्राई एंड वाइट सॉइल बिकम रिच ब्राउन सॉइल, काफ़ी सालों बाद क्या हुआ, जो सूखे हुए जमीन थे, जो वाइट कलर सॉइल थे, वो क्या हो गए, काफ़ी उपजाऊ जमीन हो गए, दिस इज सो द पासिंग ऑफ अ टाइम, ओके। यू कैन टेक दिस इन योर बुक्स, ओके, आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में इसको आंसर और क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।